तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं IBPS RRB का एडमिट कार्ड आ गया है। और चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको सीधा सिंपल आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसमें आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। आके यहाँ जैसे ही आएंगे तो यहाँ आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में सीधा ही आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा IBPS RRB का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक। इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ साइट पे आएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आप तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों का एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑफिसर स्केल 1 पे क्लिक किया है, आप दोनों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, यहाँ साइट खुल जाएगा IBPS का ऑफिशियल साइट। यहाँ आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, या आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड जो आपका इच्छा हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो इनवैलिड लॉगिन कैंडिडेटर दिखाएगा। तो इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लॉगिन अभी हो नहीं रहा है, कुछ देर बाद से लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आधा घंटा एक घंटा बाद आप आके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।